परी की जादुई राखी। श्रुति परी अकेली रहती थी, उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वह ज्यादा से ज्यादा समय अपने एक दोस्त के साथ बिताया करती थी जिसका नाम था खुशी परी। पर खुशी परी की माँ को रोज रोज श्रुति का घर आना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह हमेशा खुशी परी को श्रुति को घर लाने से मना करती रहती थी। इसी तरह से एक दिन, खुशी परी मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि श्रुति परी रोज रोज इस घर में नहीं आनी चाहिए। माँ आप भी ना, जब क्या कह रही हैं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और सबसे बड़ी बात वो कितनी अच्छी है, अब मैं उसके साथ खेलने के लिए जा रही हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। श्रुति परी ये देखो मैं कितनी अच्छी राखी लाई हूँ, पूरे 500 रुपए की है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊंगी। फिर रात में जब खुशी परी सो रही थी तभी उसकी माँ उसके पास से वह राखी उठा लेती हैं और श्रुति परी के घर जाती हैं और वह राखी श्रुति परी के पास रख देती हैं। चोरी का इल्जाम इस पर लगेगा और फिर खुशी परी इसे कभी बात नहीं करेगी। दूसरे दिन, माँ मैंने यही राखी रखी हुई थी पर अभी नहीं है। तूने रखी है तो तुझे ही पता होगा ना। और हाँ, शाम को श्रुति परी आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने राखी चोरी कर ली हो। अब क्या कह रही है, वैसे कभी नहीं कर सकती। चल उसके घर चलकर पता करते हैं। दोनों श्रुति परी के घर जाती हैं। खुशी परी तुम यहाँ कुछ काम था क्या? नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे कुछ पता ही ना हो। तूने ही मेरी बेटी की राखी चुराई है ना। अब क्या कह रही है, मैं ऐसे क्यों करूँगी। खुशी परी वो देख, वो रही राखी। पर यहाँ कैसे आई? पहले खुद ही चोरी करती है और फिर पूछती है कि ये कैसे आई। खुशी परी सच में मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, यहाँ कैसे आई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। और माँ सही कहती है, आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलना। पर मेरी बात तो सुनो। अगर तू आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी नजर आई तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है, वो राखी यहाँ कैसे आ सकती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खुशी परी तो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी और उसने भी मेरी बात नहीं सुनी, तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तुम चिंता मत करो, खुशी परी तुम्हारी दोस्त हमेशा रहेगी। शी कौन बोला, खुशी परी तुम हो क्या? नहीं बल्कि मैं एक जादुई राखी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे नहीं चुराया, तुम जादुई राखी हो। पर क्या फर्क पड़ता है, खुशी परी तो मुझसे अब कभी बात नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा, राखी तुमने तो नहीं चुराई है ना। पर खुशी परी को तो ऐसा ही लगता है। फिर वह राखी अपनी जादुई शक्ति से खुशी परी को वहाँ लाती है। श्रुति परी खुशी परी को सारी बातें बताती है। मुझे माफ करना श्रुति परी, मैंने ऐसे किसी के भी, मुझे आसानी से माँ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। और हम दोनों हमेशा ही दोस्त रहेंगे, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। वह जादुई राखी भी दोनों के साथ ही रहती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।